मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, अगर जुबानी जमा खर्च पूरा हो चुका हो तो तत्काल एक्शन लीजिए, क्योंकि आपके राज की ये तस्वीर किसी का भी दिल दहला सकती है। कोरोना संक्रमण काल में आपका सिस्टम ठीक होने के बजाय जानलेवा हो रहा है। यह तस्वीर इंदौर की है, कोरोना संक्रमण से जूझते इंदौर की। हम इन दृश्यों को दिखाना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारी मजबूरी है सच बयां करना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, सवाल आपसे है, क्या मध्य प्रदेश की हालत इतनी खराब है कि इंदौर जैसे शहर में एक बीमार को एम्बुलेंस तक नसीब ना हो और वो स्कूटर पर ही भटकते हुए दम तोड़ दे? कम से कम सिस्टम को इतना तो ठीक कीजिए कि मानवता शर्मसार ना हो। इसी इंदौर में दो दिन पूर्व भी प्रसव पीड़ा से करहाती अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर MYH और फिर निजी अस्पताल के चक्कर लगाता युवक भी इसी क्रूर व्यवस्था का शिकार हुआ था। उसकी पत्नी और अजन्मे बच्चे की मौत हो गई थी। आपके प्रशासन ने इस घटना से सबक नहीं लिया और फिर इलाज के लिए तड़पते व्यक्ति ने स्कूटी पर ही सड़क पर दम तोड़ दिया। आपके अफसरान सबक लेने के बजाय लगातार लापरवाहियों को दोहरा रहे हैं। कमला नेहरू कॉलोनी निवासी 55 साल के पांडुराव चांदने की तबीयत कुछ दिनों से खराब थी। मंगलवार सुबह उनकी हालत बिगड़ी तो उन्हें उनके परिजन क्लॉथ मार्केट अस्पताल ले गए, लेकिन इलाज नहीं मिला। कर्मचारियों ने कह दिया कि MYH ले जाओ। अस्पताल से एम्बुलेंस मांगी, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने मना कर दिया। आखिरकार दोपहिया से ही मरीज को गंभीर हालत में लेकर MYH रवाना हो गए, लेकिन इलाज के अभाव में पंडुराव ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही स्कूटी पर दम तोड़ दिया। मृतक के परिवार वालों ने संदिग्ध मौत की खबर CMHO को ही दी, लेकिन जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो अंतिम संस्कार कर दिया। उनके भाई दिलीप ने बताया कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। सोमवार को उन्हें अरविंदो अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां इलाज नहीं मिला। डॉक्टरों ने कहा MYH ले जाओ। MYH पहुंचे तो भाई की जांच कराने के बाद डॉक्टर ने दवा लिखी और कहा तबीयत ठीक हो जाएगी, जब रिपोर्ट आ जाए तो अस्पताल आ जाना। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज जी, आपके राज में मरीज की रिपोर्ट तो नहीं आई, उनका इलाज के अभाव में निधन जरूर हो गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।